भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंद प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की। भारतीय कहीं भी रहे एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो,
चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो, भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.